ज मिसिका सिंह एंड फाइनली आप लोग के लिए द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है दैट इज आपके पेंटिंग के प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो देखो सबसे पहली तो चीज़ ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग के ही स्टूडेंट्स के लिए है दैट इज आपका पेंटिंग का कोड जीरो फोर नाइन अगर आप ग्राफिक्स कल्चर कॉमर्शियल आर्ट इन तीनों में से किसी के बच्चे हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो एंड इफ़ यू वांट कि मैं आप लोग के लिए भी प्रैक्टिकल के लिए कोई वीडियो बनाऊँ सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ठीक है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेंटिंग के प्रैक्टिकल्स रिलेटेड जो कि आपका होगा पूरा का पूरा सत्तर नंबर का ठीक है तीस नंबर का इज़ फॉर योर थ्योरी एंड सत्तर नंबर का इज़ फॉर योर प्रैक्टिकल्स ठीक है ना रियली वेरी सॉरी मैं दो महीने से कोई वीडियो नहीं डाली है द रीजन इज अप्रैल में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था एंड मई में मेरे एग्जाम्स थे एंड फाइनली मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर यहाँ पर अपनी शीट भी लेके आई हूँ जहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा जो तरीका है आपको कैसे बनाना है ए टू जेड आपके एंड फेबररी तक जब आपके वाइवा होंगे तब आपको मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो देखो सबसे पहली चीज़ जैसा आपका थ्योरी के अंदर है आपके तीन यूनिट्स में डिवाइडेड है वैसे ही सेम टू सेम आपका प्रैक्टिकल्स के अंदर भी है जो कि आपकी तीन यूनिट्स में डिवाइडेड है जो आपको साइड में बोर्ड भी है उस पर भी दिख रहा है अब आपको सारी की सारी चीज़ें एज इट इज समझते जानी है नंबर वन पे है आपका भाई सबसे पहले आपका नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी है जहाँ पे आपको करना क्या होगा पहला आपका है नेचर एंड ऑब्जेक्ट जो कि है पच्चीस नंबर का तो आपका है फिर पेंटिंग कॉम्पोजिशन जो कि अगेन आपका पच्चीस नंबर का और नंबर थ्री है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट जो कि है बीस नंबर का तो टोटल लोग है आपके सत्तर नंबर सत्तर में से सत्तर ले करके आने हैं कहीं कोई नंबर नहीं छोड़ना है ठीक है चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट नंबर वन पे जो कि आपका नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी यहाँ पे जो आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा नेचर के बारे में और ऑब्जेक्ट स्टडीज़ दिखानी है अब आपके अभी तक दो महीने तो हो ही चुके हैं आपके क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट हुए हुए ठीक है अब आपको आपने देखा होगा आपके टीचर जब आप आर्ट रूम के अंदर जाते हो जब आपका पूरा रूम है वहाँ पे कभी कभार आपके जो टीचर्स हैं वहाँ पे आपके लिए वो ड्रेपरीज़ रख देते हैं एंड वहाँ पे मतलब पद... पर्दे वगैरह रख देते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं वहाँ पे जा करके कोई जोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल हो गए फ्लावर्स हो गए और फिर आपको बोलते हैं कि आप उसी को देख करके आपको पेंसिल शेडिंग करनी है तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट स्टडी ठीक है आपको ऑब्जेक्ट्स को देख करके आपको सामने सामने उसकी आपको स्टडी करनी है पेंटिंग करनी आ, स्केचिंग करनी है पेंटिंग नहीं करनी ठीक है स्केचिंग करनी है और वहीं अगर आपकी नेचर स्टडी की बात की जाए तो आपको कोई भी नेचर के बारे में सोचना है उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर्चर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी के ऊपर तो अब आपको करना क्या है देखो भाई आपको लेनी है ए टू साइज की शीट ए टू साइज की शीट भी है मेरे पास यहां पर दिस इज द ए टू साइज की शीट ठीक है ए टू साइज की शीट होती है जो कि होती है हाफ चार्ट पेपर हाफ चार्ट पेपर कह सकते हो आप इसे हाफ इम्पीरियल कह लो आपकी मर्जी है तो ये हो गई आपकी ए टू साइज की शीट जहाँ पे आपको जितनी भी पोर्टफोलियोज बनाने हैं जितनी भी ड्राइंग करनी है वो आपको इन्हीं ए टू साइज शीट्स के ऊपर करनी होंगी ठीक अब आपको बनानी है टोटल टोटल सात आपकी होंगी नेचर स्टडी सात आपकी होंगी ऑब्जेक्ट स्टडी ठीक है बट आपकी जो बेस्ट फोर है कि वही ही जाएंगी आपके जो मेन जब आप एग्जामिनर के सामने बैठोगे बस वही जाएंगे क्योंकि आपका जो सी बी एस सी है उसने कहा है बेस्ट फोर हमें देनी है फॉर योर नेचर स्टडी एंड फॉर योर ऑब्जेक्ट स्टडी ठीक है तो ये हो गया आपका भाई नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी से रिलेटेड एंड मैं आपको साथ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे भी हमारे टीचर्स ने हमसे बीस बनवाई थी टोटल ठीक है आपके टीचर्स भी आपको बोलेंगे कि आपको भाई ज़्यादा बनानी है जितने आपकी सी बी एस सी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ओनली एंड ओनली योर बेनिफिट कि भाई अगर कुछ पेंटिंग वहाँ पर ख़राबी हो जाती है कुछ गड़बड़ निकलती है कुछ अच्छी नहीं बनती है तो आप उसको हटा करके आप बेस्ट जो स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो मैं आपको आगे समझाऊंगी जब हम लोग यूनिट थर्ड के ऊपर आ जाएंगे ठीक है ये फर्स्ट यूनिट समझ में आ गया आपको जो आपके जो मेन पेंटिंग है ना जो आपको पोर्टफोलियोज देने उसके लिए आपको चार नेचर स्टडी और चार ऑब्जेक्ट स्टडी बनानी है ठीक है ये बेस्ट बनानी है टोटल आपको बनानी दो, दोनों में सात साथ, -साथ ही हमारा यूनिट वन कंप्लीट होगा यूनिट नंबर टू दैट इज़ आपका पेंटिंग कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको जितनी भी पेंटिंग करनी है वो लाइफ और नेचर से रिलेटेड करनी है जहाँ पे आपको मैंने जो बनाई थी मुझे याद है इज द रूरल एरिया से दिखाई थे जहाँ पे दो लेडीज एज यूजल मटका लेकर के जा रही होती हैं एक साइड पे गाय बनी हुई है वो सारी चीज़ें एक साइड पे हट है लैंडस्केप एरिया है वो चीज़ मैंने बनाई थी अपने टाइम पे एंड आप लोगों के लिए ना मैं जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी एंड हो जाएगी तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ कुछ पेंटिंग्स लगा दूंगी एटलीस्ट uh, सात आपकी नेचर स्टडी सात आपकी ऑब्जेक्ट स्टडी पांच आपको बनानी है यहाँ पे याद रखना पांच आपको पेंटिंग कॉम्पोजिशन्स बनाने हैं जिसमें से आपकी बेस्ट टू सेलेक्ट होंगी ठीक है तो पांच मैं आपके लिए फिर लास्ट में डाल दूंगी आपकी पेंटिंग uh, कॉम्पोजिशन जो कि आपको इजी ईजीजी डालूंगी जिससे कि आप उनको घर बैठे बैठे अभी समर वेकेशन चल रहे हैं अभी बना के रख लो काम ख़त्म करो बिकॉज फेबररी एंड जनवरी के अंदर आपके शुरू हो जाएंगे भाई आपके प्री बोड्स प्रीबोड टू चल रहे होंगे उस टाइम पे प्रैक्टिकल्स होंगे एंड आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे उस टाइम पे ठीक है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं तो ये इन सब काम को पहले ही साइड करके हटा दो ठीक तो आपको बनानी है पेंटिंग कॉम्पोजिशंस पाँच बनानी है उसमें से दो बेस्ट सेलेक्ट होंगी एंड ये जो बनानी है ये आपको बनानी है वाटर कलर्स या फिर पोस्टर्स कलर्स से यहाँ पे आपको पेंसिल शेडिंग नहीं करनी है ठीक है मैंने जो अपने से बनाई थी वो थी पोस्टर्स कलर्स तो वो आपके लिए इजीली अफोर्डेबल भी हो जाते हैं एंड आप उसको आराम से उससे बना भी सकते हो क्योंकि हम बचपन से बनाते ही आ रहे हैं ठीक है तो 25 नंबर हो गए आपके नेचर्स एंड ऑब्जेक्ट स्टडी के 25 नंबर हो गए आपके पेंटिंग कॉम्पोजिशन के अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे दैट इज़ योर आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट ठीक है अब यहाँ से यूनिट थर्ड से आपका एग्जैक्टली exactly आप इंटरेक्ट करने लग जाओगे जो भी आपका एग्जामिनर है उसके साथ अब वो जब आप उनके सामने जाओगे आप क्या क्या लेके जाओगे नंबर वन आपकी फाइल ये जो फाइल है ना आपकी आप ये ले करके जाओगे अपने टीचर के सामने जहाँ पे आप बताओगे उनको कि हाँ भाई मैंने पूरे साल क्या काम किया वो देखेंगे कि भाई आप बच्चे ने पूरे के पूरे साल क्या काम किया है उसके बेसिस पे वो आपको नंबर देंगे तो अपनी ये जो फाइल है जो आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं आपके स्कूल के अंदर प्लीज़ इनको फिलअप करते रहा करो कभी कभी अपने मनपसंद से भी कोई ड्राइंग करनी है आप कर सकते हो बट जो मेन चीज़ें हैं दैट इज़ आपका नेचर स्टडी ऑब्जेक्ट स्टडी कॉम्पोजिशन लैंडस्केप ठीक है study, study, और कुछ कुछ में कभी कभी पे पोस्टर कलर्स भी लगा देना तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने ये जो स्केच फाइल है उसके अंदर बना के रखना ताकि जब टीचर खोले उसको तो उनको दिखाई दे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ काम किया है पूरी फाइल खाली नहीं पड़ी है ठीक है कुछ ना से कुछ हाँ करना इज़ मच एंड रेदर बेटर मैंने भी अपनी जो फाइल है इसके अंदर ही मैंने कुछ कुछ ऐसी स्केचिंग वगैरह की हुई है बट कुछ नाक से कुछ हाँ बेटर था मेरे को भी सत्तर में से सत्तर मिले तो अगर मुझे जिसकी ऐसी ड्राइंग थी उसको मिल सकते हैं तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकते हैं ठीक है तो अपनी फाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें ना जब टीचर्स करा रहे हैं तो उसको साथ साथ करते रहो ठीक है आपका ये एक पार्ट हो जाएगा आपकी भाई वो फाइल चेक करेगा स्केच बुक चेक करेगा ठीक है नंबर टू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पोर्टफोलियो का असेसमेंट अभी पोर्टफोलियो क्या चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि आपको चार करनी है नेचर स्टडी चार करनी है ऑब्जेक्ट स्टडी एंड दो करनी है मेन मेन की बात कर रही हूँ खाली दो करनी है आपको पेंटिंग कॉम्पोजिशन एंड एक जो आपकी रहेगी दस टोटल वो हो गई एंड एक बच गई आपकी इंडियन फोक आर्ट इंडियन फोक आर्ट से रिलेटेड आपको एक पेंटिंग बनानी है पोस्टर कलर्स या फिर वाटर कलर्स के यूज़ करके मैंने जो अपने टाइम पे बनाई थी वह राधा बनी ठनी एंड मेरे क्लास के कुछ जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने बनाई थी राजा अनिरुद्ध सिंह हरा बिकॉज ये बहुत ईजीली थी हमें ईजिली मिल भी जाती पता भी थी हाँ कोई और भी लेना चाहो कोई और भी ले सकते हो बट आपको अच्छी सी बनानी है जहाँ पर आपको इंडियन फोक आर्ट के बारे में दिख रहा हो ठीक है ओके okay, तो ये टोटल आपकी 11 सीबीएसई मांगता ही मांगता है इसमें कहीं कांट छाट नहीं है बट आप कितने बनाना आप एटलीस्ट ट्वेंटी बना लेना सात बनाना नेचर स्टडी सात बनाना ऑब्जेक्ट स्टडी पांच बनाना अपने पेंटिंग कॉम्पोजिशंस एंड एक ही बनाना एक कन्फर्म वाली बनाना ये एक बना देना आप इंडियन फोक आर्ट से रिलेटेड ठीक है तो आपकी टोटल बीस जो जितनी भी पेंटिंग्स है पोर्टफोलियोज़ है वो बन जाएंगी एंड इसको डाल के देना एक फोल्डर के अंदर ऐसे जाके मत पकड़ा देना टीचर नंबर ही नहीं देगा क्योंकि इट वॉज लाइक ये क्या पकड़ा दिया मुझे नहीं मैं ऐसे चेक नहीं करूँगा मुझे फोल्डर के अंदर डाल के दो तो. तो अब आपके पास फोल्डर के लिए ऑप्शन क्या क्या होंगे एक तो ऑप्शन होता है आपके पास हार्ड वाला ये जो आपको भी स्क्रीन पे दिख गया होगा ये होता है हार्ड सा गद्दा होता है इसके अंदर आपके पास जगह होती है इसके अंदर आपने शीट्स डाली अंदर के टीचर को पकड़ा दिया कोई बात नहीं टाइम नहीं है तो ये भी कर सकते हो पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अच्छा बताने के लिए टीचर्स को कि हाँ भाई आप इंडल्ज हो अपने काम के अंदर इस पेंटिंग फाइन आर्ट सब्जेक्ट के अंदर आप इंडल्ज हो आपकी तो आप क्या कर सकते हो आप खुद से हैंडमेड शीट से जो कि काम मैंने भी किया था अगेन हैंडमेड शीट्स आप फोल्डर बना सकते हो दो हैंडमेड शीट्स लेनी है बस फेविकॉल का काम है और एक रिबन का काम है दैट्स इट इसके अलावा कुछ नहीं करना और ठीक है तो आपको अब मैं साइड में दिखाती जाऊंगी कैसे कैसे करना है स्टार्टिंग में आपको बनाना है एक फ्रंट पेज फ्रंट पेज पे आप छोटा से ऐसे कोई भी एफ ओ साइड शीट से पेस्ट कर देना पेज वहां पे अपना नेम क्लास सेक्शन रोल नंबर स्कूल का नाम टीचर का नाम सब्जेक्ट क्या है ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना जब आप शीट खोलोगे फोल्डर खोलोगे हैंडमेड चीज से बनाया हुआ एक साइड आपको लगाना है इंडेक्स अब ये इंडेक्स अगर आपने बाहर से शीट ली है मतलब बाहर से गत्ता लिया है फोल्डर लिया है तो भी आपको लगाना है अगर आपने खुद से बनाया है हैंडमेड चीज़ से तो भी आपको लगाना ही लगाना है इट्स लाइक ये आप टीचर को जो हमारे एग्जाम में उसको आप प्लेटर में सर्व कर रहे हो आपको क्या क्या चीज़ें आप अंदर पोर्टफोलियो के अंदर जो पॉकेट आएगी ना साइड में आपको दिख रहा होगा अभी पॉकेट आप उस पॉकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने डाली हैं ठीक है तो मैंने क्या क्या डाला है भाई मैंने डाली है चार आपकी हो गई नेचर स्टडी चार आपकी हो गई ऑब्जेक्ट स्टडी दो हो गई आपकी पेंटिंग कॉम्पोजिशन एक हो गया आपका इंडियन फोक आर्ट एंड अगर आपने अच्छे बच्चों की तरह बीस बनाई है जैसा कि मैंने कहा था तो पहले तो सारी सारी बेस्ट लगाना उसके बाद वो वाली लगाना जो आपको थोड़ी कम अच्छी लग रही हैं एंड उसको भी इंडेक्स में मेंशन में करना ही करना ठीक है उसको ऐसे खाली मत छोड़ देना ठीक है तो क्या करना सपोज आपने पांच बनाई दी आ, पांच बना दिया आपने नेचर स्टडीज तो आप पांच लिखोगे इंडेक्स में फिर पांच आप ऑब्जेक्ट स्टडी के बारे में लिख देना फिर आपने जैसे जैसे बनाई इंडेक्स को आप उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करना ठीक है एंड हर एक पेंटिंग के पीछे जो आपकी ए टू साइज की शीट होगी ना हर एक पेंटिंग के पीछे राइट हैंड साइड में पेन से बॉल पेन से लिख दो अच्छी बात है जेल पेन से अप टू यू तो जो पेन है पेन की मदद से वहाँ पे नीचे अपना नेम क्लास और रोल नंबर लिख देना कि कभी आपके जो पेंटिंग्स हैं वो इधर से उधर चोरी ना ऑन द डे ऑफ वाइवा के ऊपर आपका वाइवा के दिन आपका क्या आपके साथ क्या क्या होने वाला है तो देखो भाई वाइवा का जो दिन है वो बहुत ही आपके लिए मतलब एक हेक्टिक भी रहेगा बट कहीं ना कहीं शांति से करोगे सारा काम तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सिंपल रहेगा कुछ ज़्यादा हलबल नहीं रहेगी दिमाग के अंदर ठीक है नंबर वन थिंग नंबर टू थिंग इसके आपको जो वाइवा होगा वो वो होगा आपका बिल्कुल जब आप एग्जाम अपना कर रहे होगे ना उसके टाइम पे होगा आपका वाइवा ठीक है आपका होगा देखो छः घंटे दिए जाएंगे आपको टोटल ठीक है स्टार्टिंग के तीन घंटे में आपको करनी होगी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट स्टडी अगेन आपके सामने जो टीचर्स हैं वो आकर के ड्रेपरीज रख देंगे कुछ ना कुछ वास रख देंगे फ्लावर डाल देंगे एप्पल डाल देंगे दैट्स इट आपको वो देख करके आपको उसकी शेडिंग करनी है पेंसिल शेडिंग करनी है पेंसिल शेडिंग या फिर आप उसे ऑयल पेस्टल से भी कलरिंग कर सकते हो वो आपने कर दिया ठीक और उसके बाद आपको मिलेगा ब्रेक ब्रेक मिलेगा ब्रेक में मज़े कर लो वापस अपनी पेंटिंग को करते रहना है करते रहो इट्स अप टू यू फिर आपको वापस से तीन घंटे दिए जाएंगे दैट इज़ फॉर योर पेंटिंग कॉम्पोजिशन जहाँ पे आपको टीचर्स जो हैं आपके मोस्टली इंटरनल्स ही बताते हैं वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं मतलब कि नेचर के बारे में आप तो आपको रूलर एरिया बनाना है अर्बन एरिया बनाना है कोई विलेज सीन बनाना है कोई लैंडस्केप बनाना है क्या बनाना है वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे एंड ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके सी के द्वारा ही निर्धारित होती हैं ठीक है आपको एक प्रॉपर एक आ, मैं आप एक फोटो भी लगा दूंगी आपको सी बी एस ई ने क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं कि इसी में से कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो टीचर्स आपको देंगे ठीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ, कुछ आएगा तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना कि आप सोच लेना एक बार कि अगर लैंडस्केप आएगा तो मैं ये पेंटिंग बना दूँ कोई विलेज सीन आएगा तो मैं ये पेंटिंग बना दूँ बस ऐसी सी चीज़ें ठीक अब आते हैं जब आप पेंटिंग कर रहे होगे उसी दौरान आपका नाम लिया जाएगा फिर आपको बुलाया जाएगा दूसरे रूम में जहाँ पे आपके जो टीचर्स होंगे एक्सटर्नल टीचर और आपके जो मेन टीचर हैं वो आप फिर वहाँ पे जब जब, जब जाओगे, आप चाहोगे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन इज अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप क्या क्या लेके जाओगे उस टाइम पर अपना आपकी जो स्केच फाइल है ये ठीक है उसके बाद आप लेके गए अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जिसके अंदर आपने ट्वेंटी की ट्वेंटी शीट्स डाल रखी हैं वो एंड इसी के साथ साथ आपके पास एक होगा कैनवस बोर्ड अब कैनवस बोर्ड हो सकता है आपके स्कूल वाले आपसे ना बनवाए हो सकता है कि आपसे बनवाएं कैनवस बोर्ड इज़ बेसिकली जहाँ पे आप ऑयल पेंटिंग की मदद से पूरी की पूरी पेंटिंग करते हो ठीक है तो मेरे टाइम पे मुझसे भी बनवाई गई थी मैंने बनाई थी राधा कृष्ण जी की बनाई थी पेंटिंग पे तो मैं वो भी लेके गई थी तो ये तीन चीज़ें थी प्लस जो मेरी प्रिपरेशन थी क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले हो रहा है तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है यूनिट नंबर वन राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल यूनिट नंबर टू मुगल एंड डेकन स्कूल यूनिट नंबर थ्री जहाँ पे आपका नेशनलिज्म बेंगोल स्कूल और मॉडर्न ट्रेंड्स ये जितना है इसी से आपका वाइवा पूछा जाएगा इसके अलावा जो पूछ सकते हैं दैट इज़ आपका एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगी डोंट वरी बट आपका इन्हीं से पूछा जाएगा एंड आपसे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछते हैं किसी पेंटिंग का कि जर्नीज एंड का मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन बता दो नहीं आपसे खाली पूछते हैं कि जर्नीज एंड के आर्टिस्ट कौन है ठीक है ये पूछ लेंगे आपसे या फिर मॉडर्न ट्रेंड्स में से कोई पेंटिंग ले ली इन्होंने जैसे कि अमरनाथ सहगल की कौन सी पेंटिंग है ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे यहाँ पे आपसे डिटेलिंग नहीं पूछेंगे एंड अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो डोंट वरी आप जाके सीधे सीधे बता सकते हो कि मैम मुझे ये आंसर नहीं पता आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं डोंट वरी ठीक है तो पर घबराने की जरूरत नहीं है बस ये ध्यान रखना कि टीचर सबसे पहले धाते के साथ ही आपके वो पहले फाइल चेक करेंगे आपने कितना काम किया है फिर वो आपकी तरफ देख के आपसे पूछेंगे कि आपको कितना पता है तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना ठीक है डरने की जरूरत नहीं है वाट इट ओके okay. तो ये सब पूरा का पूरा था आपका प्रैक्टिकल्स का अगेन एक बार दोबारा छोटा सा फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ नंबर वन है कि भाई आपको सात नेचर स्टडीज बनानी है जिसमें से बेस्ट फोर सेलेक्ट होंगी नंबर टू है आपका सात आपको ऑब्जेक्ट स्टडी बनानी है अगेन जिसमें से चार सेलेक्ट होंगी नंबर थ्री है आपका पाँच आपको पेंटिंग कॉम्पोजिशन बनानी है जिसमें से सिर्फ दो सेलेक्ट होंगी एंड नंबर लास्ट वन इज़ योर इंडियन फोक आर्ट जहाँ पर आपको एक ही बनानी है तो इसको दी बेस्ट बनाना एंड इन सब को आपको स्टोर करके रखना है एक फोल्डर के अंदर या तो बाहर से खरीद सकते हो या तो खुद बना सकते हो सो विद दिस आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा यही था इसके अंदर टीचर्स के साथ प्लीज़ अपने अच्छे रिलेशन बना करके रखना कि वो आपको अच्छे सत्तर के सत्तर नंबर दे दे ठीक है एंड ऑल्सो टू मैंशन आपके लिए प्रॉपर जो एनसीआर बेस्ड आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ मीनचर पेंटिंग है एंड आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो नई वीडियोज आ रही हैं मैंने नया बोर्ड लिया है सो इस वजह से सारी सारी चीज़ें आप प्रॉपर आपके क्लाउड्स की फॉर्म में फ्लो चार्ज की फॉर्म में एंड बबल्स वगैरह सब कुछ बना दी है सो so वो भी वीडियो जल्दी आ जाएंगी सो स्टे कनेक्टेड स्टार्ट कर दो अपना प्रैक्टिकल्स का काम टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन ओके देन, टेक केयर एंड बाय बाय